हे मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राई कलर आई शेडो, और ये ट्रिब्यूट है मेरा इंडिपेंडेंस डे के लिए टू माय नेशन, टू माय कंट्री इंडिया। तो सबसे पहले मैं मैट कलर ले रही हूँ, और मैं यहाँ पे सारे मैट कलर ही यूज़ करूँगी। मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ऑरेंज कलर जो है मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज एरिया में, और फिर उसे ब्लेंड करूँगी विद दी हेल्प ऑफ ब्रश। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। धीरे धीरे आपको कलर डिपॉजिट करना और ब्लेंड करना, बिकॉज मैट कलर जो होते हैं वो बहुत ही ईजी टू वर्क नहीं होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं उसे अप्लाई करने में। इस वजह से आप धीरे धीरे इसे केसरिया कलर जो हमारे फ्लैग में होता है तो उसे आप अप्लाई कीजिए, और धीरे धीरे डिपॉजिट करके ब्लेंड कीजिए। अब नेक्स्ट मैं पिक करूँगी ये वाइट कलर, जो कि मैं अपने पूरे आईलिड्स पर लगा रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया ये आई लुक। लिटरली मैंने सोचा नहीं था ये इतना अच्छा टर्न आउट होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया और मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। और अब मैं फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से, बिकॉज मुझे कलर डिपॉजिट करना था ना, इस वजह से मैं कलर को अपने आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ, और फिर मैं अपने क्रीज और अपने आईलिड कलर के बीच में वापस से ब्लेंडिंग ब्रश वाइप करी, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कोई हार्ड एजेस रहे। अब मैं ग्रीन कलर को कैसे लगा रही हूँ, मैं विंग आईलाइनर की तरह लगा रही हूँ, और मैं यहाँ पे स्टेक वर्की का ग्रीन आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा कलर पिगमेंटेशन देता है, और वैसे भी वाइट पे बेस, मतलब वाइट बेस है ना, तो उस पर कोई कलर अच्छे से पॉप आउट करके आता है गाइस। तो मैंने इसे विंग आईलाइनर की तरह लगाया, और ये जो आई लुक है ना, अगर आप स्कूल गर्ल हो और कभी आपने कोई डांस किया होगा, या फिर जैसे मैंने तो काफ़ी सारे स्कूल में अपने स्कूल में काफ़ी परफॉर्मेंसेस किए हैं इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, तो मुझे याद है मैंने एक बार ऐसा ही आई लुक किया था। और लेकिन उस टाइम पे मेरे पास ये सब आईलाइनर वाइलाइनर नहीं था, बट मैंने फिर भी ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो एक तरह से मेरे सारे जो मेमोरीज़ हैं मेरे स्कूल के, मैं वो सारे वापस आ गए। और ब्लू कलर मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ, तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा मुझे याद दिला रहा है मेरे स्कूल परफॉर्मेंस का, जब मैं डांस करती थी, सिंगिंग करती थी अपने इंडिपेंडेंस डे पे अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो पल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, इसको करके मेरी फ्रेंड्स अगर देखती होंगी तो उन्हें भी याद आएगा ये। अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिलिंग करी, और मैं इस लुक को ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल रख रही हूँ, कोई भी ज़्यादा ग्लैमरस नहीं रख रही हूँ, बहुत फुल कवरेज नहीं कर रही हूँ, जस्ट सिंपल सा कर रही हूँ, बिकॉज स्कूल वगैरह में हम ज़्यादा नहीं करते हैं। और मैं हाईलाइट भी बहुत, आप देख रहे हो, बहुत ही धीरे से, बहुत ही ज़्यादा कम कर रही हूँ एक्चुअली, बहुत ही धीरे से अप्लाई कर रही हूँ मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से। इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रही हूँ, इट्स टोटली ऑप्शनल गाइज, अगर आपको नहीं पसंद है आप मत करिए। नेक्स्ट मैं न्यूड कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, जो कि NYB लिप क्रेयॉन है इन द शेड 11, और ये है फाइनल लुक। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय।